थैंक्स अ लॉट एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा बेहतरीन फोन लेके आया हूँ जो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है, खासकर वो जो बुजुर्ग हैं, खासकर वो जो विलेज में रहते हैं, और खासकर वो जिन्हें थोड़ा टेक्नोफोबिया है, यानी टेक्नोलॉजी से थोड़ा डरते हैं और वो अब भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे कीपैड वाले फोन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास में अच्छे खासे कीपैड वाले फोन है, लेकिन इससे भी ज्यादा अपग्रेड वाला एक वर्जन आया है फोन में, और उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट एक एंड्रॉयड में होते हैं, इसीलिए वो फोन कहलाता है स्मार्टफोन। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ऐसी जो जियो के फोन्स हैं जिसकी सिम आप बाकी किसी और ऐसे फोन्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके वजह से आप अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो फोन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप जियो की सिम निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज करनी होगी, वो सिम चेंज करने के बाद में जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स का रिचार्ज होता है वही आपको जियो का करना पड़ेगा, और आप उस फोन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बेसिकली आप इस फोन को अपग्रेड कर सकते हैं, इन सारे फोन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और जिस फोन कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हर बच्चा जानता है, इनफैक्ट बहुत से बड़े लोगों ने भी जब वो बच्चे थे तो उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की, और जो मॉडल की बात मैं करने वाला हूँ वो है 82104G। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊं, आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं जहां मैंने की थी इसकी अनबॉक्सिंग। ऐसा दिखता है, पीछे से ऐसा है, सामने से ऐसा दिखता है, ये बटन है, तो इसे हम खोलेंगे। बेस्ट पार्ट ये कि ये ड्यूल सिम है और 4G है, आप इसमें 32GB का कार्ड भी लगा सकते हैं। गाइस, बहुत सारे कीपैड के फोन्स में 4G नहीं होता है, और जिनमें 4G होता भी है तो वो जियो की सिम को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये वाला नोकिया का मॉडल सपोर्ट करता है। और अगर वेट की बात करूं तो इसका वेट मात्र 105 ग्राम है विद बैटरी, तो ये अच्छा खासा हल्का भी है। अब गाइस, इस फोन की अनबॉक्सिंग तो मैंने आपको दिखा दी, अब चलिए आपको इसके फीचर्स भी बताता हूँ। वाह, नोकिया की पुरानी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, जय मसीह की। आप चाहें तो इसमें वेकअप मैसेज भी डाल सकते हैं जो कि सभी फ़ोनों में होता है। तो गाइस, अभी मैं मेन्यू दबा रहा हूँ, जैसे कि आप इसमें फ़ीचर्स देख सकते हैं बहुत सारे हैं। आप चाहें तो फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इसमें कैमरा भी है, रेडियो भी है। रेडियो आपको बता दूँ, ये जो है ये वायरलेस है, आप चाहें तो फाइन ट्यूनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये ऑटो ट्यूनिंग वगैरह फाइन ट्यूनिंग है, मैं फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ, और इसमें ऑटो ट्यूनिंग भी है। अगर आप कहीं बाहर है और आप चाहते हैं कि ये रेडियो सुनना, तो थोड़ी देर में ही सर्च करके वो अपने आप ही ऑटो ट्यून कर देगा। ये इसका स्पीकर है, स्नेक का आपको गेम भी मिल जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने ये गेम खेला होगा ये, लेकिन थोड़ा आधुनिक है, इसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं। नोकिया बहुत सारी चीज़ों में फेमस था, लेकिन अपने इस गेम के लिए भी बहुत फेमस था, ये काफ़ी अच्छा गेम मिला है। गाइस, और भी इसमें गेम्स हैं, जैसे कि ये रेसिंग अटैक, साथ ही साथ में टेट्रिस, आपको साथ ही साथ में एक ब्लैक जैक करके एक और गेम मिल जाता है। और भी गेम्स हैं, अगर आप चाहें तो और भी गेम्स आप खेल सकते हैं, काफ़ी गेम्स हैं इसमें। इनफैक्ट इसमें ब्लूटूथ के थ्रू आप इमेजेस भी ले सकते हैं, हमने भी मम्मी जी के फ़ोन में डाल के रखा है, तो ये उन्हें मिल जाती हैं, ये देखिए। और आपको बता दूं, इसमें से बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो DSLR की है, इनफैक्ट कुछ इमेजेस जो हैं वो हमारे मोबाइल की हैं, तो ये सब भी इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको म्यूज़िक प्लेयर भी मिलता है, आप चाहें तो इसमें म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल के जो फ़ोन मेमोरी उसमें भी लोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें कार्ड भी लगा सकते हैं। गाइज, इसमें इनबिल्ट मेमोरी 128MB की होती है, और इसकी रैम है 48MB, जो कि काफ़ी होती है इन जैसे फ़ोन के लिए। और गाइज, जो इसके पीछे का कैमरा है वो 0.3 मेगापिक्सल का है, जो कि वेगा है, नॉट इवन 1 मेगापिक्सल। तो गाइज, ये है इसका कैमरा, अब मैं ज़रा एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, लेट्स सी कैसी आई होगी। और साथ ही साथ मैं एक वीडियो भी ले लेता हूँ, तो वीडियो क्वालिटी भी आपको पता चल जाएंगी, और मैं बोल के ही कर रहा हूँ तो आपको आवाज़ भी पता चल जाएंगी, तो वीडियो क्वालिटी भी आपको पता चल जाएंगी और मैं बोल के ही कर रहा हूँ तो आपको आवाज़ भी पता चल जाएंगी
और जो यहाँ पे हैश बना हुआ है आप इसी को दबा के अगर रखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साइलेंट हो गया है, इसी को दबा के आप रखेंगे तो वाइब्रेशन पे हो जाएगा और इसी को दबा के रखेंगे तो ये रिंगर पे आ जाएगा। गाइज इसमें कीपैड आप लॉक भी कर सकते हैं, जो कीपैड लॉक का सिस्टम है वो भी आप बंद कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो ये बटन और ये एक साथ नहीं दबा पाते या इसको दबा के नहीं रख पाते हैं, तो इट्स बेटर है कि आप कीपैड लॉक उनके पास से हटा दें। जैसे अगर मान लीजिए मेरा फ़ोन जो है अगर बंद भी होता है तो सिर्फ आप कोई भी बटन दबाएंगे तो ये फ़ोन अपने आप चालू हो जाएगा, आपको ऐसा कीपैड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बुजुर्गों के लिए ये बेटर रहता है। अभी जैसे मेरा फ़ोन बंद हो गया, मैं बस कोई भी बटन दबाऊंगा ये अपने आप चालू हो जाएगा, आपको कीपैड अनलॉक करने की कोई टेंशन नहीं। इसकी जो स्क्रीन है ये 2.8 इंचेस की है जो कि इसके कैटेगरी में काफ़ी बड़ी है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो स्टैंड बाय है वो 21 डेज का है, फुल चार्ज के बाद में ये स्टैंड बाय मोड पर जा सकता है। गाइस इस फ़ोन में एक और बहुत अच्छा फीचर है वो है वोल्टी का, जो कि आजकल के एंड्रॉयड और स्मार्टफोन जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं उसी में होता है, लेकिन इस लेवल के हिसाब से भी इसमें वोल्टी दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है। जैसे सिम वन पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। वोल्टी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आपकी कॉल की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, कटता नहीं है, खासकर जब आप लिफ्ट वगैरह में जाते हैं या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे अगर आपके फ़ोन में वोल्टी वगैरह नहीं है तो आवाज़ काफ़ी क्रैक होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं जाएगा। गाइज इसमें एक और बहुत बढ़िया फीचर है और वो है कॉल रिकॉर्डिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश विद ऑक्सफोर्ड भी है जिसमें आपको डिक्शनरी मिल जाती है, कैलकुलेटर है, अलार्म है, फिर आपका वॉइस रिकॉर्डर भी है। और एक्स्ट्राज में अगर आप जाते हैं तो आपको स्टॉप वॉच मिलता है, टॉर्च मिलता है, कन्वर्टर मिलता है। अगर आपको इसका टॉर्च ऑन करना है ना गाइस, ये वाला सिंपल है, ये जो ऊपर की बटन बस आप उसको दबा के रखेंगे तो ये आपका जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगा। और इसकी लाइट भी जो है काफ़ी अच्छी है, और वही बटन आप दबा के रखें ऊपर की तो ये बंद भी हो जाएगा। अंधेरे में काफ़ी काम आता है और काफ़ी जो विलेज वगैरह है वहाँ पे लोग ये यूज़ करते हैं, तो इसमें भी टॉर्च दिया हुआ है जो कि एक अच्छा फीचर है। ये है इसका चार्जिंग पोर्ट और साथ ही साथ में आपको मिल जाता है ऊपर में इसके जैक पिन का एक पोर्ट, और ये है स्पीकर, ये है कैमरा। तो गाइस कोई भी जैक पिन वाला हेडफोन आप इसमें बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरे ओप्पो का है, बेस वेस भी काफ़ी अच्छा आता है, मैं ये नहीं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट, बट हाँ इसकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा आवाज़ आता है। गाइस अगर आप इंटरनेट एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये चेक कर रहा है, इसमें लिखा है नो मेमोरी कार्ड, पुट मेमोरी कार्ड, तो आप मेमोरी कार्ड डाल के इसमें ऑनलाइन आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं जस्ट लाइक एंड्रॉइड। जो स्क्रीन गार्ड है वो नहीं आता है, तो उसके लिए जो जुगाड़ आपको करना पड़ेगा वो ये कि कोई भी ऐसा स्क्रीन गार्ड ले लीजिएगा जिसमें कोई कॉर्नर्स या बॉर्डर्स नहीं होते, और उसको इसके हिसाब से काट के इसमें लगा लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा गाइज, इसमें सिर्फ तीन ही कलर आते हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रे। इस फोन की एक और खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया है। गाइज मैं इसको करीब 12-13 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने इसमें गेम भी खेला इसमें, इसलिए हाई स्कोर अभी मेरा ही वाला है, और इससे मैंने कॉल भी किया है, कॉल रिसीव भी किया है, इनफैक्ट बहुत सारे टेस्ट भी किए हैं, गाना भी सुना है, एफएम भी सुना है, इसमें टॉर्च लाइट भी इस्तेमाल की है, कैमरा भी इस्तेमाल किया है, सब कुछ बेसिकली इसमें मैंने पूरा R&D करके देखा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसके बावजूद मतलब करीब 10-12 दिन पूरा लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद भी देखिए इसमें बैटरी अच्छी खासी बची हुई है। ट्रस्ट मी गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है। तो जो भी इस तरीके के फोन इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ऐसे कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करना पसंद है, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइस इतने सारे फीचर्स के साथ में ये फोन मुझे पड़ा था 3200 में, जो कि मैं कहना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस में इससे बेहतरीन फोन आपको नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो किसी मोबाइल शॉप में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वरना इस मोबाइल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। इससे मिलता है हमें एनकरेजमेंट और आपको मिलेगा हमारे चैनल पे एक से बढ़कर एक मल्टी टॉपिक कॉन्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।